बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुसूसी दरख्वास्त शियाने हैदर कर्रार मोमिनीन जौनपुर से है मेरी, अलविदा जुमा नहीं होगा और इसी तरीके से ईद की नमाज का भी अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है और इम्कान ये है कि तब तक हालात सही नहीं होंगे ईद की नमाज के लिए भी। मोमिनीन से मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि ईद की नमाज़ अपने घरों के अंदर अदा करें और अलविदा की जुमे की नमाज़ नहीं होगी, उसकी जगह जोहर और असर जो है अपने घरों में पढ़ें और दुआएं और कुरान और आखिरी अय्याम के जो आमाल हैं उनको फरामोश ना करें, शब ईद के आमाल जो हैं उनको फरामोश ना करें। मस्जिद में नहीं जा सकते हैं लेकिन आमाल घर में कर आप हज़रात बजा ला सकते हैं। ईद के दिन के आमाल हैं, शब ईद के आमाल हैं, ज़ियारत इमाम हुसैन वगैरह ईद के दिन पढ़ना रहती है, वो भी आप घर ही में रहकर आप पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, मिलने मिलाने ज़्यादा किसी से ना जाएं, मुसाफिया ना करें, गले ना मिलें। जो अतिबा और डॉक्टरों ने बताया है उस पर मुकम्मल सबकी जिम्मेदारी है कि उस पर अमल करें। इससे आप भी सेहत तो सलामती के साथ रहेंगे, आपके घर वाले भी सेहत तो सलामती के साथ रहेंगे, समाज और माशरा भी सेहत और सलामती के साथ रहेगा। ये सबकी शरई जिम्मेदारी है। हाकिम हुकाम हुकूमत ने जो ऐलान किया है वो तो है ही, लेकिन शरई भी अपने कुछ जिम्मेदारी होती है, कुछ फ़राइज़ होते हैं, कुछ समाजी, कुछ अखलाकी, कुछ शरई। तो आपकी ये शरई जिम्मेदारी है कि खुद भी सेहतमंद रहें और दूसरों को भी सेहतमंद रहने दें, बीमार ना होने दें दूसरों को। और जो लोग हमारे कुछ लोग इस बीमारी में जो है हमारे अपने शिया हजरात भी मुब्तला हुए हैं और जो भी इंसान हमारे हिंदुस्तान में कोरोना मरज में मुब्तला है, खुदा से दुआ है कि किसी मज़हब और मसलक का हो वो खुदा बंदे आलम उसको शफाए कामिल और आजिल अता करे और हयात और ज़िंदगी दे और इस बीमारी को दूर करे। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।